में बड़ा बलवान असर ग्रहों का होता है परिंदा पशु इंसान। नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रो माँ तारा कृष्णा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में एस्ट्रो माँ। अगर आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात तो आप मुझे हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, हमें कॉल कर सकते हैं। और आज के दिन राशियाँ क्या कहती हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मेष राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए क्या कहता है। मेष राशि वालों, आपके लिए कहना चाहेंगे कि आज जो है सुंदर कांड का पाठ अगर आपके बिगड़े काम ना बना दे तो बात कहना, क्योंकि क्रोध को एक तो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्रोध आएगा तो कहीं ना कहीं आपके काम बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा आज का दिन। हम अपनी अगली राशि वृषभ राशि वालों के लिए भी बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए क्या कहता है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए आज का दिन कहता है आज अपनी मन की इच्छाएं किसी जानकार से अगर शेयर करते हैं तो उससे फायदा होगा। अकेले काम करने से आपको कोई फायदा नजर नहीं होगा। और साथ ही हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि वालों, आपके लिए आज का दिन क्या कहता है। आपके लिए हम बताना चाहेंगे जी, आज जो है अपने दोस्तों के साथ बात जरूर उनकी सुन लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाभ जो है आपको मिलता नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी में एक नई दोस्ती का भी पौधा लगने वाला है, शायद नया दोस्त बनने वाला जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाएगा। जी हाँ, दर्शकों से फिर कहना चाहेंगे यदि है कोई समस्या या कोई सवाल आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार जो चल रहा है उसके जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और उसके बाद बर्थ ऑफ प्लेस बताकर हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। आज के टॉपिक की हम बात करेंगे, शनि देव की कृपा आपके ऊपर आखिर कैसे होगी, कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि जब शनि की साढ़े साथी चलती है या ढैया चलती है तो उन दौरान शनि देव आपको इस तरीके से, अगर जैसे कि कहते हैं शनि देव न्याय के हमारे देवता हैं, आपने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से ही वो आपको फल देते हैं, तो उसके हिसाब से आप अच्छे कार्य करें। कहते हैं कि सोने को जो है आप जैसे तपा तपा के कुंदन बना देते हैं, उस तरीके से कुंदन एकदम आपको जिस तरीके से अच्छी एक जिंदगी, बेहतर जिंदगी मेहनत करके और संघर्ष करके इंसान जब निखर के बाहर आता है तो यकीन मानिए तब आप भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही थी, हमारे ऊपर शनि की साढ़े साते चल रही थी। सारी चीजें दूर हो जाती है, किसी के साथ अन्याय ना करें। दर्शकों से फिर कहना चाहेंगे यदि है कोई समस्या या कोई सवाल कॉल करें, क्योंकि हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। जी मैडम, मैं अपनी मम्मी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका नाम राजरानी है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है। मम्मी का पूरा नाम बताइए। राजरानी। राजरानी जी, मम्मी के लिए क्या पूछना चाहते हैं जी? इनके ये मकान बेचना चाहती है। तो आप चाहते हैं कि बिके जी? हाँ, ये कब तक बिक जाएगा? चलिए, कब तक बिकेगा उसके लिए यहाँ बताना चाहेंगे। एक उपाय मैं बताना चाहूंगी, अपनी मम्मी को बोलिए जिस मकान को बेचना चाहती हैं उस मकान में एक मुट्ठी साबुत उड़द की दाल और 100 ग्राम के करीब हल्दी, पिसी हुई हल्दी उसमें मिलाकर सफेद रंग के कपड़े में लपेट दे। लपेटने के बाद ऐसे स्थान पर रख दे जहाँ झाड़ू ना लगती हो। यदि अगर चूहे वगैरह का डर रहता तो उसके ऊपर कोई लोहे का भारी बर्तन रख दीजिए, जिससे जो है आपकी मम्मी का जो काम है, जो मकान वकान बिकने की जो बात कर रहे हैं, वो एक महीने में 40 दिन में बिक जाएगा। जय भोलेनाथ। चंद्रकांता हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार जी चंद्रकांता जी। हाँ, बताइए। हाँ, मैम मैं ये पूछना चाहती कि एक तो मेरे घर में कलेश बहुत ज्यादा होता है। चंद्रकांता जी, सबसे पहले जन्म तिथि जन्म समय बताएंगे? हाँ जी, मेरा है ना जन्म तारीख है 4 जुलाई 1958 और सुबह 8:30 बजे जी। अब बताइए क्या आप पूछना चाह रही थी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ मैम, एक तो मेरा ना है लड़का, उसके सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, और दूसरा मेरे घर में कलेश बहुत रहता है, मेरे घर में सुख शांति नहीं है।
चंद्रकांता जी, सबसे पहले मैं आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ बता दूं, आपकी राशि तुला राशि है। तुला राशि है यहाँ पर जो है आपकी कुंडली में, यहाँ देख रहे हैं कि आपने बताया है यहाँ पर शनि नीचस्थ होके बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो कला कलेश जो है आपका नाम जो है बीच में जरूर आ जाता है। तो यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे, शनिवार के दिन आप अपने घर के अंदर जो है पूरा नींबू घुमाइएगा, नींबू को जो है आपने या तो किसी भी उसमें किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाके काट के रख के आइए। सरसों के तेल का दान करना अच्छा रहेगा और उड़द या फिर आपने काली मिर्च लीजिए अपने घर में, सारे जगह घुमाने के बाद उसे भी आपने दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दीजिए, कला कलेश दूर हो जाएगी। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 6 की संख्या में अगरबत्ती जलाइए, सारी चीजें आपके लिए फेवर में हो जाएगी। जय भोलेनाथ। चलिए एक और हमारे कॉलर जुड़ जाए। श्रेया जी स्वागत है आपका। हेलो श्रेया जी, स्वागत है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आकाश श्रीवास्तव जी। आकाश जी स्वागत है आपका, बताइए। मैम ये बताइए मेरी नौकरी पूरी कब लगेगी? सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म समय बताएं। 7 अक्टूबर 1995। और समय बताइए। समय सुबह 10:10 जी। आपने बात की है जॉब के लिए कि जॉब कब तक लगेगी, और यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहेंगे, एक तो जो है आप सुबह जल्दी उठना सीखिए, आप जो है बहुत देर से उठते हैं और अपने अंदर जो है आलस को छोड़िए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो है आपकी राशि में अगर हम देखते हैं 19 डिग्री होके बैठा है। सूर्य को हमको जो है थोड़ा सा मजबूत बनाना है। बुध वक्री होके बैठा है जो हमारे कारक ग्रह है, यदि हम बुध को थोड़ा स्ट्रांग नहीं करेंगे। आपके दशम भाव में सिंह राशि संचार कर रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते रहिए, जरूर मिलेगी। जय भोलेनाथ। आशा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1992। और समय बताइए। मैम इवनिंग के 5:05। यस मैम। ये सुबह के? जी इवनिंग के। इवनिंग अच्छा जा। सवाल पूछिए मैडम। मेरी जॉब कब तक लगेगी? जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट? चलिए जॉब के लिए आपने बात की है कि गवर्नमेंट लगेगी या प्राइवेट, प्राइवेट जॉब लगेगी। आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। और एक चीज है, आप अपने लगन के स्वामी यहाँ जो है मंगल, और साथ ही यहाँ पर जो आपके लगन में जो बैठे हुए हैं यानी कि कुंभ लगन के हैं और वृश्चिक राशि के हैं, शनि के साढ़े साथी के प्रभाव से चल रहे हैं। आपकी राशि में जो है शनिदेव फिर से उदय हो चुके हैं, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा कि आप हर शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे और साथ ही जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। जॉब वगैरह में जो अड़चन आ रही है वो दूर हो जाएगी। जय भोलेनाथ। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। अरुण जी स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार जी। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/11/1986 है। और समय बताइए। समय मैम क्लियर नहीं है, पर 5 से 7 बजे बीच काम में हुआ था जी। क्या पूछना चाहते हैं? मैम जैसे मेरा मन किसी चीज में नहीं लगता, कोई काम बनता नहीं, बस मन नहीं लगता है, काम नहीं बनता है। एक तो जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे है, आपके विचार भी किसी से नहीं मिलते हैं, ये भी एक चीज है। मन के लिए यहाँ पर अगर हम जैसे देख रहे हैं कि आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारा किसी के साथ में भी मन नहीं लग पाता। अभी तो बुध की महादशा चल रही है, तो बुध का उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज करिए कि आप अपने सिराने जो है स्टील के लोटे में जब जल रखें तो उसमें थोड़े से चावल डाल दीजिएगा और दूसरे दिन उस पानी को लेके किसी पेड़ में डालिए, ये कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए हम आज के उपाय के भी बारे में बात करना चाहेंगे। यदि आप शनि देव की कृपा, आप चाहते हैं कि आपकी शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो आपको क्या करना है? आपने करना है क्या है, खिचड़ी और चने का सेवन करने से आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यदि आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी या फिर जो है ढैया चल रही है, तो ऐसे में जो है आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, काम काज होते होते जो है आपके बिगड़ जाते हैं, दुश्मन जो है आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से अगर बचना चाहते हैं तो आप खिचड़ी से आपको लक्ष्मी प्राप्ति होगी, और अगर चने खाते हैं तो आपके दुश्मन जो है आपके जो है शांत रहेंगे, वो आपके लिए बेहतर हो जाता है। तो हम ये सारी चीजें हम उपाय तो बताते रहेंगे, मगर बाकी राशियों के भी बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले, आपके लिए आज का दिन क्या कहता है? अपने करियर को लेकर आज आपको होना है थोड़ा सा गंभीर, क्योंकि गंभीर रहेंगे तभी अपने करियर पे ध्यान दे सकेंगे। ज्यादा खर्च होने के योग बनते नजर आ रहे हैं, जो आपके लिए बेहतर नहीं है। सिंह राशि वालों, आपके लिए कहना चाहेंगे कि आज यात्रा थकाने वाली हो सकती है। जी हाँ सिंह राशि वालों, क्योंकि कहीं ना कोई कामकाज की वजह से जो है आप जो है जो यात्रा करेंगे वो थका सकती है।
और दिन का ज्यादातर समय घर से बाहर ही बीतेगा और पढ़ाई और काम पर ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये जो है उनके लिए है जो छात्र वर्ग के लोग हैं उनके लिए ज्यादातर अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों आपके लिए बताना चाहेंगे आज आपको क्या करना है, आपने करना है क्या है व्यापार व आज सबसे पहले तो आज का दिन आपका बीतेगा कैसे। आप व्यापार और नौकरी में आपका काम जो है बढ़िया रहेगा तो आज लोगों से मेल बना के रखिएगा तो अच्छा रहेगा। आपके काम की तारीफ होगी और आपके जो वरिष्ठ हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, तो ऐसा करिएगा कि आज के दिन अपने आप को थोड़ा शांत रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ये सारी चीजें हम एक उपाय और बताएंगे क्योंकि शनि देव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं और साढ़े साथी और ढैया के जो आपके ऊपर ग्रह चल रहे हैं उससे बचना चाहते हैं तो आपने हनुमान चालीसा का पाठ आपने 7 बार जो है किसी भी पीपल पेड़ के नीचे जाकर अगर पढ़ते हैं और साथ ही जो है फिर उसके बाद आप शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके लिए आने वाला समय जो है बेहतर हो जाएगा। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, राखी जी स्वागत है आपका। नमस्कार कृष्णा जी, मैं राखी बोल रही हूँ। आपसे पहले ये शो करती थी एस्ट्रो मा जी, आप एस्ट्रो मा में बहुत अच्छी लगी हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कृष्णा जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और कृष्णा जी का 30 तारीख को जन्मदिन है, इन्हें जरूर सब दर्शक विश करें और आपको अपने शो में देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपसे जीवन में बहुत चीजें मैंने सीखी है। यकीन मानिए जो दर्शक इस वक्त समाचार प्लस देख रहे हैं अगर आप कृष्णा जी की रेमेडीज मानते हैं तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। राखी जी एन एडवांस हैप्पी बर्थडे। राखी जी 31 दिसंबर को है बर्थडे, क्षमा चाहूंगी। बिल्कुल, थैंक यू आपने हमें कॉल किया, बहुत थैंक यू। ये आपका ही प्रोग्राम है और आपके दर्शक जो है हमसे लगातार जुड़े रहते हैं, हमें बहुत। मैं दर्शकों को बता रही हूँ कि आप मेरी भी गुरु माँ हैं, आपसे ये जीवन में बहुत कुछ ले सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की और इस नए शो की, आप जीवन में बहुत तरक्की करें कृष्णा जी और मेरे सभी प्यारे देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से अभी से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, जय बोले। चलिए हमारी अभी राखी जी से बात हुई है, हम दर्शकों से और भी राशियों के ऊपर भी बात करेंगे। तब पहले बहुत सारी राशियों के बारे में बात की थी, अब हम अपनी बाकी राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, तो ये आज का दिन कहता है कि आज जो है नकारात्मक सोच के जो लोग से अगर आप दूर रहते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाता है। संतान पढ़ाई और लिखाई के जो मामलों पे थोड़ा सा ध्यान देने की इसलिए जरूरत होनी चाहिए क्योंकि आने वाला समय आपके संतान के लिए पढ़ाई लिखाई के मामले में कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है। हम अपनी वृश्चिक राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए क्या कहता है, आपके लिए बताना चाहेंगे किसी पर भी यकीन करने से पहले 1000 बार सोचें क्योंकि ऐसा ना हो कहीं आपके शत्रु जो हैं आप पर हावी हो जाएं, तो शत्रुओं से सावधान रहें, खर्च ज्यादा ना करें तो बेहतर रहेगा। हम अपनी धनु राशि वालों आपके लिए भी बताना चाहेंगे आज का दिन क्या कहता है, आज का दिन आपका कहता है कि आर्थिक समस्या बन सकती है, पेट दर्द की जो संभावना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बाकी सारी चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएगी। दर्शकों से फिर कहना चाहेंगे समस्या है या कोई सवाल कॉल करें क्योंकि हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 की संख्या में आपने हनुमान चालीसा लीजिएगा आज के दिन और हनुमान जी के मंदिर में जाकर वितरित करना है, इससे क्या है हनुमान जी प्रसन्न होंगे, साथ ही शनि देव भी आप पर प्रसन्न होंगे और साथ ही अपनी जो कृपा है वो आपके ऊपर बना देंगे। तो ये जो चीजें होती है कभी कभी होता है क्या है जब हम शनि के ग्रह से जब पीड़ित होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम मेरा सूर्य प्रकाश नाम है सर, और 1586 जन्म तिथि है। 1586 जी डेट ऑफ बर्थ है। और समय बताइए। समय 7:30 बजे शाम को। जी सवाल पूछिए। सरकारी नौकरी में हमको थोड़ा दिक्कत होता है, मिल नहीं रहा है अभी, कब तक उम्मीद है? सूर्य प्रकाश जी एक चीज मैं बताना चाहेंगे, आपके नाम में ही सूर्य है, सूर्य और प्रकाश, यानी कि जब हम पंचम भाव के स्वामी का नाम भी आपके साथ जुड़ा है, मगर यहाँ पर आपकी कुंडली में यहाँ पर ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा आपके कह सकते हैं कि 80% चांस है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आप जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आपके लिए बेहतर हो जाता है। साथ ही एक चीज है प्राइवेट जॉब के आसार अभी पहले नजर आ रहे हैं आपके लिए। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, आप अगर चाहते हैं कि आपकी जॉब वगैरह में कोई अड़चन ना आए तो आप गणेश जी को धूप चढ़ाइए 11 की संख्या में, साथ ही पूजा वाली जो सुपारी होती है वो 5 की संख्या में लेके आप
गणेश जी को चढ़ा दीजिए, आपकी जो भी जॉब वगैरह में अड़चन आ रही है वो दूर हो जाएगी। आप जो है उनसे प्रार्थना करिए, यकीन मानिए आपके कामकाज में तरक्की होगी, आपकी जॉब लगेगी, सूर्य की पूजा आराधना करें। राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। मैम नमस्कार जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1985। और समय बताए जी 10:47 रात्रि जी। क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं मांगलिक हूँ, और दूसरा मैं नौकरी करूँ कि कोई व्यवसाय करूँ जी, और मेरी शादी कब तक होगी जी? चलिए आपकी यहाँ पे कुंडली में यहाँ देखते हैं, मंगल हमारा जो है थोड़ा सा नीच का होके बैठा रहता है, जो चौथे भाव में मंगल बैठा शुक्र के साथ में और बुध की राशि के साथ में, तो ऐसे में जो है आपने मंगल की चीजों का दान करना आपके लिए बेहतर हो जाता है। मसूर की दाल मंगलवार के दिन अपने ऊपर से उसार कर दान करिए, मंगलनाथ में जाकर आपने पूजा, उज्जैन के पास मंगलनाथ का मंदिर है वहां जाके पूजा करवाइए, जिससे जो है आपका मंगल शांत होगा। लाल रंग के कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे, ना ही इस्तेमाल करेंगे, ना लाल रंग की चीजों का कोई भी आपने मंगलवार के दिन नहीं इस्तेमाल करना, मसूर की दाल भी आपने मंगलवार को नहीं खानी। आपने बात किया जॉब वगैरह के लिए आप अपना खुद का काम कर सकते हैं, और किसी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की जॉब के भी आसार हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसमें भी बेहतर है, मगर शादी विवाह में थोड़ी विलंब है। जय भोलेनाथ। अर्चना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 जनवरी 1995। और समय बताइए। 5 जनवरी जी 1995। जन्म का समय? जन्म का समय है दोपहर 2:45 जी। अब पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। दोपहर 2:45। हाँ जी लिख लिया, आप ये बताइए कि सवाल क्या है। सवाल पूछिए। सवाल ये है मेरे बेटे का करियर कैसा रहेगा, करियर के लिए है, नहीं है मांग। अच्छा बिल्कुल, चौथे भाव का मांगलिक है ये पक्की बात है, और साथ ही यहाँ पे गुरु भी बैठा है केंद्र में, इसलिए आंशिक मांगलिक यानी कि कम मांगलिक कहते हैं ऐसे लोगों को। और यहाँ पर देख रहे हैं गुरु की महादशा चल रही है, थोड़ा सा इसको पुखराज वगैरह अगर आप पहना देते हैं तो इसके जॉब वगैरह के आसार बनते नजर आ रहे हैं। विवाह में थोड़ा सा विलंब है तो इनके लिए बेहतर होगा। गुरु के लिए पुखराज रतन धारण करवाइए, मस्तक पे केसर का तिलक लगाइए, बच्चे की जॉब वगैरह भी लग जाएगी। जय भोलेनाथ। नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो मैम, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। अपना नाम बताइए। नेहा, वो मेरे पापा ने कॉल लगाया था। अच्छा अच्छा बताइए नेहा, क्या पूछना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा। हाँ जी, मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1994। और समय बताइए। 12:45 दिन का। हाँ क्या पूछना चाहती है बेटे की बताइए। मुझे पूछना है कि उसका कैरियर कैसा है और उसकी सरकारी जॉब कैसे, मतलब कब तक लग जाएगी। चलिए सरकारी जॉब के लिए आपने बात की है, तो भाई की कुंडली में यहाँ पर मैं बेटा बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भाई की कुंडली में सरकारी जॉब के लिए बिल्कुल आसार है, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा। और दूसरी बात यहाँ पर जैसे देख रहे हैं दसम भाव में बुध बैठा है, बुध यानी कि आप बहन हैं, बुध के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे बहनों का सम्मान करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। बुध का उपाय और सूर्य का उपाय दोनों कर लीजिए, इससे जो है भाई की जॉब वगैरह में जो भी अड़चन आएगी वो दूर हो जाएगी। अभी इसकी गुरु की महादशा चल रही है, 2024 तक रहेगी, तो ऐसे में यहाँ पर गुरु का उपाय इनके लिए बेहतर हो जाता है। किसी भी पीपल वृक्ष में मीठा जल, और साथ ही उसमें जो है हो सके तो चने की दाल और हल्दी डालकर हर गुरुवार के दिन इसको बोलिए वहाँ पे चढ़ाया करें, और साथ ही सूर्य देव की पूजा आराधना करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। जॉब गवर्नमेंट भी लगेगी तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते रहे। जय भोलेनाथ। एक चलिए हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। सुगन जी स्वागत है आपका। जुगल जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका जी। हम बहराइच से बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए सबसे पहले। 19/11/1975। और समय बताइए। 3:10 जी। दिन के? सुबह सुबह। अच्छा क्या पूछा चाहते हैं? ये हम कोई काम हम कर रहे हैं, कोई हमें फायदा ही नहीं मिलता है, जैसे 100 पे पहुँचे फिर 0 पे हो जाते हैं। अरे भैया ये तो बहुत ही गलत है, यहाँ शुक्र एक तो नीचस्थ होके बैठा है, जब शुक्र हमारा खराब रहता है आपके हाथ में पैसा भी नहीं टिकता तो। और सही मायने में एक चीज जो है यहाँ बताना चाहेंगे कि एक तो जो है जब शुक्र हमारा नीच का होकर बैठा होता है तो ऐसे में जो है किसी भी जो है चीज में आप पैसे में हाथ में डालेंगे आपके हाथ में कभी बरकत नहीं रहेगी। दशा जो चल रही है इस समय, आपकी जो दशा चल रही है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, गुरु की आपकी चल रही है 2030 तक रहेगी, तो आप
कोशिश करिए कि गुरुवार के दिन आपने गाय को चने की दाल आटे में रख के उसमें गुड़ रख के थोड़ी हल्दी लगा के खिलाइए। आपके काम काज में भी जो है बरकत रहेगी, आपके हाथ में भी बरकत रहेगी। और शुक्र की चीजों को कभी नहीं अपनाना है, चीनी दही ये सब चीजें आपने शुक्रवार को दान करना है। ये करिए, जो भी करेंगे अच्छा रहेगा। जय भोलेनाथ। हम बाकी राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या कहती है बाकी राशियों के बारे में। मकर राशि वालों, आपके लिए बताना चाहेंगे कि तिल के तेल का अगर दीप जलाते हैं तो शनि देव की कृपा आपके ऊपर बन जाती है, व्यापार में लाभ होगा। और दिल की बात सुनना आज आपके लिए लाभदायक हो सकता है, तो दिल की बात सुनिए क्योंकि दिल कभी कभी दिमाग से ज्यादा सही होता है। हम कुंभ राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे, कुंभ राशि वालों आज के दिन आपके लिए क्या कहता है। आज का दिन आपके लिए कहता है कि आज आपके काम की वजह से लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति के जो योग हैं वो बनते नजर आ रहे हैं, व्यापार में लाभ होगा, तो आज का दिन आपके लिए लाभकारी है। हम अपनी बारहवीं राशि इनके लिए भी आज का दिन क्या कहता है बारहवीं राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए कहता है कि आज पैसों से जुड़े मामलों में आज आपको परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा सोच समझ के मानसिक समस्या को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर मानसिक समस्या अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो इससे आपको दिक्कत हो जाती है। आज का टिप, बिल्कुल जी हाँ, आज का एस्ट्रो मा का टिप्स बताना चाहेंगे। शनिवार के दिन परिवार के सभी सदस्यों से कुछ धन लीजिए और एक नारियल लीजिए। ये सब जो है सारे परिवार के लोगों से हाथ लगाने के बाद अपने ऊपर से, परिवार के लोगों के ऊपर से सात बार उसार कर बहते हुए जल में यदि प्रवाहित करते हैं तो, या किसी मंदिर में रख के आते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी की नजर नहीं लगेगी। धन से, आर्थिक समस्या से जिससे जूझ रहे हैं उनसे कभी भी नहीं जूझेंगे और शनिदेव की आपकी कृपा बनी रहेगी। कल आपके साथ में एक नए उपाय के साथ में, नए विषय के साथ में करते हैं मुलाकात। तब तक के लिए मैं एस्ट्रो मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। जय भोलेनाथ।